वेलकम टू द पाठशाला। ये आपके इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है। आज की क्लास में हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने कर ली हैं, आज हमको करना है प्रैक्टिस। आगे क्लास करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि जो हमारी ये 2018 की क्लास चल रही है, ये क्लास तकरीबन जो है एक महीने हो गई है पूरी। 15 सितंबर से हमने क्लासेस स्टार्ट की थी और आज 16 अक्टूबर है, तो एक महीने हमने क्लासेस कर ली है। अब ये अक्टूबर मंथ आपका चल रहा है। अगर आप एक मंथ की क्लासेस को ले लें तो एक मंथ में हमने क्या पढ़ा, एक मंथ में हमने पढ़ा है नाउन, एक मंथ में हमने पढ़ा है प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट वाइज हमने फिनिश कर लिया है। प्रैक्टिस के एक आध सेशन चलने हैं आज के बाद, हो सकता है एक लेक्चर और लेना पड़े। इसके अलावा हमने इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट किया है, मैथ में आशीष सर ने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया होगा 8-10 लेक्चर, तो तकरीबन इतना कोर्स हमने कवर किया है। दीपावली वगैरह के बाद आपको कुछ टीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो जीके और रीजनिंग के क्लासेस वगैरह लेंगे। और टीयर सेकंड के स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि हम 2018 पे जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और टीयर सेकंड के क्लासेस पे फोकस कम कर रहे हैं। तो मैं, अगर उनमें से कोई स्टूडेंट है जो इस क्लास को देख रहा हो, तो मैं बता दूं कि मैं रेगुलरली दो वीडियो उनको दे रहा हूँ। एक तो आपका 2 बजे का क्लास आता है, एक रात को 10 बजे का क्लास आता है, और वो मैं आपको इंड तक लेके जाऊँगा। तो 2018 का जो सेक्शन है वो सेपरेट सेक्शन है, और 2017 का टीयर सेकंड का जो सेक्शन है वो सेपरेट सेक्शन है। मैं डे एंड नाइट वर्क कर रहा हूँ बगैर एक अच्छी नींद लिए हुए पिछले 6 महीने से। तो आप इस तरीके की कंप्लेन ना कीजिए, अगर इस तरीके की कंप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा तो हर्ट होगा यार, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली वर्क करता हुआ आपके साथ आ रहा हूँ। ये तो रही बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए। और आप लोग वीडियोज़ वगैरह शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा हमारा भी जो एनर्जी का लेवल है ना, तो वो डाउन होता रहता है। तो ये काम आप लगातार करते रहिए, अगर हमारी वीडियोज आप पसंद कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये क्लास रेगुलर चलती रहे तो। और वॉलंटरी फीस आप लोगों ने सितंबर मंथ का जो पे किया हम लोगों को, वो तकरीबन 20,000 रुपीज के आसपास हमने कलेक्ट किया है। इसमें से हम कुछ टीचर्स को फी पे करने वाले हैं, कुछ हमें यूट्यूब से मनी जनरेट होती है। तो ये सब मिला के हम क्या कर रहे हैं, एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिल सके, आपके टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिल सके। और टेस्ट सीरीज़ मतलब ऐसा कॉस्ट ना हो कि आप उसको अफोर्ड ना कर सके, क्योंकि मार्केट में 2,000, 3,000, 4,000 इस तरीके की प्राइजेज़ वगैरह हैं। और बहुत सारे लोगों का तो टेस्ट सीरीज़ का जो है कंटेंट भी बहुत सॉलिड नहीं है। फिर भी जो आप गांव के बच्चे हैं, अगर कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप पैसे वगैरह पे नहीं कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं ले सकते हैं, तो उन सब चीज़ों की सुविधा हम आपको प्रोवाइड कर सके। हमारा जो मेन और पर्पज़ है वो यही है। तो आप लोग अपनी वॉलेंट्री फ़ी सबमिट कर दीजिए जिन्होंने सेप्टेम्बर मंथ की नहीं की है, और अक्टूबर मंथ की भी वॉलेंट्री फ़ी आप लोग सबमिट कर दीजिए। अब चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का जो मेन आज का पर्पज़ है वो है प्रैक्टिस करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैंने आपको कुछ की वर्ड सिखाए हैं जो कॉन्सेप्ट वाइज और रूल वाइज कि ये वर्ड्स होते हैं तो हम इनको जो है प्लूरल नाउन की तरह देखते हैं, और ये वर्ड्स होते हैं तो हम सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह देखते हैं, और उसके हिसाब से हम वर्ब क्या लें। तो हमको उन वर्ड्स को, उन की वर्ड्स को याद रख के जो है प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में ये मैंने आपको एक पीडीएफ पहले से दे दिया है, और ये पीडीएफ हम अब डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हमें कीवर्ड का ख्याल रखना है। कीवर्ड जैसे एग्जांपल नंबर 1 की बात करें, नाइदर ऑफ देम, तो आपको याद होना चाहिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि नाइदर नाइदर के साथ हम क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और नाइदर ऑफ देम आर, देख रहे हो यहाँ पे आर लिया गया है, क्या लेना चाहिए था आपको, इज। तो अगर आप कीवर्ड्स याद रखोगे तो आसानी से इस चीज़ को कर लोगे। तो नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, ये ऐसा वर्ड है जिसके साथ वर्ब जो है सिंगुलर आता है आपका। आपका अगर प्रोनाउन अगर आगे के पार्ट में आए तो वो भी क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान से देखनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है, ही वॉक्ड 5 माइल्स विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए जो 5 माइल्स है ये आपका एक तरीके से एक सिंगल यूनिट की तरह यहाँ पे काम करता है, इसलिए यहाँ पे जो है वर्ब आर की बजाय क्या लेते हैं, इज लेते हैं। तो ये वो कीवर्ड्स है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताया हुआ है। आइदर माई कॉलेज और ए प्यून, तो मैंने आपको बताया था कि आइदर आर में आर के पास में जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हम वर्ब लेते हैं। तो और ए प्यून, प्यून आपका क्या है, आपका सिंगुलर है, तो आर के बजाय आप क्या लोगे, यहाँ पे इज लोगे। तो सिर्फ अगर आप कीवर्ड्स याद रखो जो कीवर्ड्स मैंने क्लास में पढ़ाए हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। फिर यहाँ पे देखिए द राइज एंड फॉल, देखिए ध्यान से कि यहाँ पे आर्टिकल जो है वो पहले के पहले यूज किया गया है, फॉल के पहले यहाँ पे देखो नहीं यूज किया गया है। अगर दोनों के पहले यूज होता तो प्लूरल होता, अदरवाइज ये क्या है, सिंगुलर है। अप द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस, देखो यार ये आर लिया गया है, द राइज एंड फॉल ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और इसी के लिए जो वर्ब आया है वो होगा यहाँ पे इज इस हिसाब से। तो फिर है मेनी ए मैन, मैंने आपको सिखाया था मेनी ए अपने साथ सिंगुलर लेता है तो मैन लिया इसने, और हैव की जगह यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, हैज लेना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको पूरा सेंटेंस भी पढ़ना ना पड़े अगर आप कीवर्ड्स खाली याद रख ले तो। फिर नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट,
यहाँ पे देखिए, एक तो सब्जेक्ट पहचानने में कभी कभी गलती कर देते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दिख जाए टी कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस, तो ये पूरा का पूरा हमें प्लूरल दिखाई दे रहा हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनका इंट्रोडक्शन, क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर बेवरेज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है द इंट्रोडक्शन, क्या है द इंट्रोडक्शन, ये आपका सिंगुलर है, इस हिसाब से जो हैव है ये हैज में कन्वर्ट होना चाहिए, ये बस आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट आपका ये वाला पोर्शन है या फिर द इंट्रोडक्शन है सिर्फ। नेक्स्ट है द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, द न्यूअर टाइप ऑफ वॉश क्लॉथ्स फास्टर, ये जो न्यूअर टाइप है ये आपका सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है, और यही सब्जेक्ट है, ऑटोमेटिक मशीन्स आपका जो है सब्जेक्ट नहीं है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, जो नए टाइप का ऑटोमेटिक मशीन्स है वो जो है वॉश करते क्लॉथ्स फास्टर, तो यहाँ पे वॉशेस होना चाहिए, ये सिंगुलर होना चाहिए, जब इसमें ऐसे आइए जोड़ते हो तो वर्ब में तो ये क्या बन जाता है सिंगुलर बन जाता है। फिर है ईच ऑफ द स्टूडेंट, जैसे ही ईच आया यहाँ पे ये समझ लीजिए कि क्या है ये सिंगुलर, इसके साथ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल है, और फिर देखिए यहाँ पे दियर का इस्तेमाल है, तो दियर की जगह यहाँ क्या होना चाहिए हिज होना चाहिए, प्रोनाउन भी हम सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। नेक्स्ट है एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सींग, देखो एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, वो सारे फिल्म जो तुमने सजेस्ट किए थे उसमें से हर एक की बात की जा रही है, यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सींग, तो यहाँ पे आर की जगह क्या होना चाहिए इज, क्योंकि जो फिल्म्स है ये सब्जेक्ट नहीं है, एवरी वन है ये आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, जैसे यहाँ पे देखिए कि आर्टिकल एक के पहले प्लेस है तो आपको क्या है आर की जगह आपको इज करना पड़ेगा, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, इसका क्या मतलब होता है एक ही बंदा है वो क्या है सेक्रेटरी भी है वो क्या है प्रिंसिपल भी है, तो जब दोनों के पहले अगर जैसे सपोज करो द यहाँ पे अगर लग जाता तो उसके बाद जो है ये आर सही हो जाता। अब क्या होता है कि स्टूडेंट में से आप में से कुछ लोग पूछोगे कि सर तो हम बी पार्ट में एरर क्यों ले, हम ए पार्ट में क्यों ना एरर ले, हम ये ना कह दे कि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज होगा, देखो इस तरीके से नहीं होता, यहाँ पे जो सेंस है सेंटेंस का वो ये कहने का मतलब है कि एक ही बंदा है जो सेक्रेटरी भी है जो प्रिंसिपल भी है, तो हम वर्ब में चेंजेस करते हैं, ज़्यादातर केसेस में हम सब्जेक्ट में चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, यहाँ पे देखिए ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स इंटरेस्टिंग है तो इसके लिए क्या आना चाहिए यहाँ पे इज, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन कौन सी बात का होता है कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब लेते हैं तो उसके एंटीसीडेंट के हिसाब से लेते हैं, और एंटीसीडेंट हम कैसे लेते हैं कि दैट के पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया है वही ले लेते हैं, तो दैट के पहले जो वन ऑफ हिज नॉवेल है, वन ऑफ हिज नॉवेल ये पूरा का पूरा इसका एंटीसीडेंट है, तो वन ऑफ हिज नॉवेल के लिए क्या होगा इज इंटरेस्टिंग, बस ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी फिर आप सेंटेंस को आसानी से करेक्ट कर ले जाओगे। फिर नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यहाँ पे देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन क्या होता है कि ये जो लैंग्वेजेज लिखा है इसको देख के जो है हम ये जो वर्ब हमारा यूज है आर हम सही मान लेते हैं, लेकिन सही मानने में इसका जो सब्जेक्ट है वो है नॉलेज, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेज, ये जो नॉलेज है ये आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का, लैंग्वेजेज नहीं है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे इज आएगा। नेक्स्ट है इट इज आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, ये एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था, मैंने आपको बताया था कि इसको जो है बाद में डिस्कस करेंगे, इसके विषय में मैंने अभी रिसर्च नहीं किया हुआ है, और मैंने उस वक्त भी ये बताया था कि ये प्लेन टू पैरामाउंट में इसको इज की जगह एम दिया हुआ है, और एम बी पब्लिकेशन में इसका जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो ये बोला गया है कि ये एक्सेप्शनल केस है इसलिए इज यहाँ पे सही है, तो इसको अभी भी स्टार मार्क करके रखिए, मैं जल्द ही जो है इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एम सही है या फिर जो है इज सही है, तो ये थोड़ा सा नोटबुक में रखिएगा जो डाउट वाला नोटबुक हो। नेक्स्ट है रोमांटिसिज्म ऑफ मेलांकोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट देखना है, क्या है रोमांटिसिज्म, ये आपका क्या है सिंगुलर है और इसी के लिए आपको वर्ब इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या होना चाहिए इज होना चाहिए, कन्फ्यूज मत होइएगा इस चीज़ में कि आर्ट एंड लिटरेचर इसके जस्ट पहले जो है एंड से जुड़ा हुआ दो चीज़ आपको दिख जाए और इसको आप जो है सब्जेक्ट मान लो और प्लूरल मान लो, इसका आर को सही रखो। नेक्स्ट है पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी, एज वेज एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो पहले वाले के हिसाब से आप वर्ब को लेते हो, तो पेशेंस जो है ये आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे आर की जगह क्या आना चाहिए इज आना चाहिए,
इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। देखिए माई ब्रदर इन लॉ आपका सिंगुलर है, और मैंने आपको बताया था कि विथ के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो विथ के पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब लेते हो, तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। नेक्स्ट है ए हॉट एंड ए कोल्ड, यहाँ पे देखो दोनों के पहले आर्टिकल है, स्प्रिंग वॉज फाउंड, तो वॉज की जगह क्या होगा, वर होगा। तो अगर ये चीज़ें जो रूल्स बताइए वो याद है तो इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आइदर ऑफ द रोड्स, यहाँ पे देखिए आइदर है, आइदर ऑफ द रोड्स लीड, लीड की जगह क्या होना चाहिए, लीड्स टू द पार्क, क्योंकि आइदर आपका सिंगुलर है तो ये जो वर्ब है आपका ये भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट है वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर, देखो वन ऑफ के बाद प्लूरल लेते हो, प्लूरल है यहाँ पे, आर की जगह फिर वर्ब क्या लेते हो, सिंगुलर लेते हो, तो वन ऑफ माई डिजायर इज टू बिकम ए डॉक्टर। नेक्स्ट है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स, ये जो इंक्लूडिंग है और आपका सब्जेक्ट है ना, तो द होल ब्लॉक ये पूरा का पूरा कंप्लीट बात कर रहा है एक सिंगल यूनिट की तरह, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की जगह पे वॉच होगा, कि हम बात कर रहे हैं कि पूरा ब्लॉक जो है फ्लैट्स का और दो शॉप्स जिसके अंदर आ रहा है, तो वो यहाँ पे सिंगल यूनिट हो रहा है कि जितना कुछ है वो पूरा का पूरा, तो वर्ब की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पे, वॉज, डिस्ट्रॉयड इन फायर, जो फायर में डिस्ट्रॉय हो गया। नेक्स्ट है द सम एंड सबस्टेंसेज ऑफ हिज पोयम आर एज फॉलोज, सम एंड सबस्टेंसेज, एक तो द इसके पहले लगा है और सम एंड सबस्टेंसेज एक पेयर ऑफ वर्ड होता है और इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, तो द भी लग के ये बता रहा है एक के पहले लगा है तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ यहाँ आर की जगह क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द फाइव अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पांच के लिए नाइदर का इस्तेमाल नहीं करते, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो नन ऑफ द फाइव अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वैक्सेशन एंड एनजाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो आपका इसका सब्जेक्ट है वो है द स्ट्रेन, डिफिकल्टीज वैक्सेशन और एनजाइटी, आपका सब्जेक्ट नहीं है जो मिला हुआ है, इसको आप प्लूरल की तरह देख रहे होंगे, द स्ट्रेन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और ये आपका सिंगुलर है, इस हिसाब से यहाँ पे वर्ब की जगह क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। नेक्स्ट है एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज दियर्स अप्स एंड डाउन्स, देखो एवरीबडी आपका सिंगुलर होता है, यहाँ पे हैज लिया गया है ठीक है, फिर लेकिन दियर लिया गया है तो प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, हिज, हिज अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट है एवरी ओमैन, ये भी सिंगुलर हो गया, इन द वर्ड फर्वेंटली होप्स दैट, फर्वेंटली का मतलब होता है उत्सुकता के साथ, दैट डियर चाइल्ड, डियर कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, हिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हिज चाइल्ड विल बी ए नॉर्मल एंड हेल्थी बेबी। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ देम सेंट डियर पेपर्स, नाइदर के लिए डियर यूज नहीं करते हो, नाइदर के लिए आप सिंगुलर हिज का इस्तेमाल करते हो, इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। नेक्स्ट है दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ड वेयर ईच वन परस्यूज डियर, ईच वन के लिए आप जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो हिज का, ना कि डियर का, क्योंकि ईच वन क्या है आपका सिंगुलर है, तो प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर आना चाहिए, हिज का इस्तेमाल होना चाहिए, हिज ओन गोल्डन बबल एंड लव एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। नेक्स्ट है इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर वेन वन ऑफ द वोल्केनिक एरप्शन टेक प्लेस, देखो वन ऑफ द वोल्केनिक एरप्शन टेक प्लेस, वन ऑफ आपका क्या है सिंगुलर होता है, एरप्शन यहाँ पे देखिए वन ऑफ के बाद क्या लिया गया, प्लूरल फॉर्म लिया गया है, एक इरप्शन की बात नहीं हो रही, कई सारे इरप्शन की बात हो रही है, तो कई सारे इरप्शन में से एक, ठीक है, तो यहाँ पे टेक के बजाय क्या होना चाहिए, टेक्स, टेक्स प्लेस, वी वुड सी ए ग्रैंड साइट, ये कुछ की वर्ड्स है जो आपको ध्यान से याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ए राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड, यहाँ पे रेंट्स एंड वेजेस आपका क्या है सब्जेक्ट नहीं है, ए राइज जो है जो चढ़ना है जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हैव आने के बजाय क्या आएगा, हैज आएगा, हैज बीन फाउंड टू गो टुगेदर। नेक्स्ट है इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन का केस है और फिर से आपको कंफ्यूज करेगा, ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर हु बिलीव्स दैट दिस टॉक अबाउट कॉलोनियलिज्म हैज गॉन टू फॉर एंड हैज टर्न्ड इनटू ए क्लीचे, यहाँ पे ध्यान से ये समझिएगा, जैसे है ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर, यहाँ पे वन आपके बाद जब भी आपका आता है वो आता है प्लूरल फॉर्म, और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म नहीं है तो यहाँ पे आपको राइटर्स करना पड़ेगा, और ये जो हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट यहाँ पे समझना पड़ेगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दैट का जो एंटीसीडेंट था वो ये था कि जो
एक नोवेल था, जो एक नोवेल था वो इंटरेस्टिंग था, लेकिन यहाँ पे जो विश्वास करते हैं वो एक बंदा विश्वास करता है जो बात कर रहा है, वन ऑफ दोज पोस्ट कॉलोनियल राइटर हु बिलीव्स, या फिर जितने भी ये बंदे हैं जो वन ऑफ उनमें से एक को हम चुन रहे हैं, जो पूरे के पूरे बंदे हैं वो बिलीव करते थे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो ये बता रहा है कि यह उनमें से है, उन पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स में से है जो विश्वास करते थे, ये सारे के सारे विश्वास करते थे कि दिस टॉक अबाउट कॉलोनियलिज्म हैज गॉन टू फॉर एंड हैज टर्न इनटू क्लीचे, ये सारे के सारे राइटर्स विश्वास करते थे। तो हु का जो एंटीसीडेंट है ये सारे के सारे राइटर्स है, इसलिए यहाँ पे ये जो वर्ब लिया गया है बिलीव्स, ये जो है आपका सिंगुलर ना होने के बजाय क्या होगा, प्लूरल होगा, तो सिर्फ और सिर्फ बिलीव होगा। तो यहाँ पे दो बदलाव करने हैं, एक तो आपको पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स लेना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे बिलीव्स की जगह क्या लेना पड़ेगा, बिलीव लेना पड़ेगा, मतलब वन आपके बाद आपका प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन आएगा, और इसके हिसाब से जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको स्टार मार्क करके रखिएगा, दो तीन बार आप पढ़ोगे, अगर ना समझ में आएगा तब फिर जाके आएगा, फिर अदरवाइज आगे चल के दोबारा इस तरीके के एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, वन ऑफ द पेक्यूलरिटीज विच डिस्टिंग्विशेस द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बुक्स। यहाँ पे वापस से देखिएगा कि विच का जो एंटीसीडेंट है वो है आपका पेक्यूलरिटीज, ये आपका प्लूरल है, तो इसके हिसाब से जो वर्ब लिया गया है सिंगुलर, ये प्लूरल होना चाहिए, तो ये जो ई एस लगा है इसको आपको हटाना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश आपको लेना पड़ेगा, द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बुक्स, और ये जो इज आया है ये वन ऑफ के लिए आया है और सिंगुलर है, देन सही है। नेक्स्ट है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू, नाइदर के लिए इज का इस्तेमाल करोगे, ऊपर अभी बताया मैंने, 10 miles, 10 miles के लिए अभी इज का इस्तेमाल करोगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट है, इफ महात्मा गांधी वॉज ए लाइव, इफ महात्मा गांधी वॉज ए लाइव, ध्यान से याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर इमेजिनरी सेंटेंस है, महात्मा गांधी अभी जिंदा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें अगर जिंदा होते तो वाज की जगह आप क्या लोगे, वर लोगे, चाहे आपका सब्जेक्ट भले सिंगुलर हो, लेकिन अगर इमेजिनरी सेंटेंस है, अगर हम इस तरीके से बोले कि काश ऐसा होता तो, काश महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो वाज की जगह यहाँ पे क्या लोगे, आप वर लोगे, ठीक है। तो ये एक गलती यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट है, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, सी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स, देखिए वन ऑफ दोज हु बिलीव्स, हु का एंटीसीडेंट क्या है, दोज है, दोज के लिए यहाँ पे बिलीव्स की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, बिलीव लेना पड़ेगा, ये प्लूरल है तो आपका जो वर्ब है वो भी आपका क्या आना चाहिए, जो है प्लूरल आना चाहिए। नेक्स्ट है, विथ रिकार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ प्रपोजल द कमिटी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, देखो कमिटी है वॉज डिवाइडेड, जब कमिटी है एक आपका जो है क्या कहते हैं कि कलेक्टिव नाउन है, और अगर इनके बीच में डिवीजन हो तो इनको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, तो वॉच की जगह यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा आपको वर। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, मोस्ट ऑफ द फंड्स, ये आपका प्लूरल फॉर्म है, ज़्यादातर फंड की बात करें, वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, तो यहाँ पे इज की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, आर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हैनियास टू, यहाँ पे देखिए जो ये आपका हैनियास है ये आपका प्लूरल होता है, तो देयर के साथ यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ये वर्ब लेना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये की वर्ड है, ये आपका प्लूरल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आपको इसके लिए जो है वर्ब लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड, नाइदर नॉर, नॉर के बाद नॉलेज आया और जो आपका वर्ब है वर लिया गया है तो वॉज रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज आपका क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड, द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ की बात की जा रही है, तो द टाइप की बात जब भी की जाती है द लगा हुआ होता है ऑफ के साथ, तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, यहाँ पर डिपेंड्स लेना पड़ेगा आपको वर्ब जो है, अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्फ विथ सैम्पल एंड गुड नेचर्ड पीपल, तो ये गलती की गई है, अगर की वर्ड्स आपको याद है तो आप आसानी से सेंटेंस की मीनिंग समझे बगैर भी आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस, आवर सक्सेस आर आवर फेलियर और से जुड़ा हुआ होता है, तो देखिए आवर सक्सेस आवर फेलियर दोनों आपका सिंगुलर है तो डिपेंड्स होना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन आवर फेलियर और से जुड़ा हुआ है, तो चाहे आपका फर्स्ट पार्ट के हिसाब से लो चाहे सेकंड पार्ट के हिसाब से अगर भूल भी जाओ, तो यहाँ पे दो के दोनों आपके सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब तो ऑब्वियसली सिंगुलर जाना चाहिए था। ही इज वन ऑफ द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज वन ऑफ द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास, वन ऑफ द टैलेस्ट बॉयज होना चाहिए,
बॉय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन आपके बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है। तो आज के लिए यहीं तक, जो बचा खुचा हुआ पार्ट है मैं इसके सोल्यूशन देख दूंगा। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको जो है पीडीएफ दूंगा उसकी, तो मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आगे वाले जो है चैप्टर में कुछ नया टॉपिक लेंगे जिसको हम फिर डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट फिर प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।